उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय परिसर में चित्रकला कविता निबंध प्रतियोगिता में चयनित उत्तम प्रविष्टियों के विजेताओं हेतु सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव जिला जज आर के खुलवे ने बताया कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले बच्चों को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति रवि वलीमठ के करकमलों द्वारा माननीय न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की करिमा उपस्थिति में सम्मानित किया गया। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सेना भर्ती के लिए युवाओं को कोरोना टेस्ट में आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए सीएमओ देहरादून व कोविड-19 नोडल अधिकारी को सभी दिक्कतों को जल्द दूर करने के आदेश दिए। बुधवार को उप जिला चिकित्सालय विकासनगर व कालसी CHC सहित मदामावाला कैंप को 1200 कोविड-19 टेस्ट किट उपलब्ध इस मौके कराई गई। पर ब्लॉक प्रमुख विकासनगर जसविंदर सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर सहित काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद जवान कार्यक्रम के तहत जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में विकासनगर केसरबाग में फ्लाइंग ऑफिसर नेहा उनियाल के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। नेहा उनियाल का भारतीय सेना की सभी परीक्षाएं पास कर फ्लाइंग ऑफिसर की कैप हासिल करना गौरव की बात है। इस मौके पर शम्मी प्रकाश, गिरीश सप्पल, रिंकू गनौजिया, नेहा के पिता SK नोटियाल, माता लता नोटियाल, हिमांशु बिजलवान आदि मौजूद थे। सेलाकुई थाना पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए बहुवाला से विक्रम मल व नरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को दोनों युवकों के पास से 6200 रुपये नकद, पेन और सट्टा पर्ची बरामद हुई। दोनों युवकों के खिलाफ 13G में मुकदमा दर्ज किया गया है। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।